Good morning students, this is Anil K. Sharma and welcome back to my channel Oracle Tech India. और आज से मैं एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस के चार वीडियोस अवेलेबल होंगे और वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इंस्टेंस क्या है और डेटाबेस स्कीमा किसे कहते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस के फील्ड में या फिर ओरेकल डीबीए के फील्ड में, ओरेकल डेवलपर के फील्ड में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर का पहला ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इंस्टेंस, इंस्टेंस के बारे में बताओ और डेटाबेस स्कीमा क्या है वो बताओ। तो इसलिए जो है इंस्टेंस और डेटाबेस स्कीमा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो लोग जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, डेटाबेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं कि इंस्टेंस क्या है। इंस्टेंस, तो इंस्टेंस में हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक तो सिंपली इंस्टेंस क्या है और दूसरा हम देखेंगे कि इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टेंस क्या है। तो एन इंस्टेंस इज ए सेट ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर and background process that access a set of database files. तो instance क्या है, एक instance के अंदर memory structure define होते हैं और background process define होते हैं। तो memory structure और background process ये दोनों मिल करके एक instance create करते हैं और इस instance का काम क्या होता है कि database files की लिंक बना करके अपने पास रखता है। तो डेटाबेस फाइल्स जैसे डेटा फाइल, रीडो फाइल, लॉग फाइल, आर्काइव फाइल, तो इसको इंस्टेंस कहते हैं। और इंस्टेंस का दूसरा काम क्या होता है, इट कंटेन्स ए स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस। इंस्टेंस क्या करता है, पूरे डेटाबेस का उसके अंदर जो भी टेबल्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह जो डिफाइन की गई है उसका एक स्नैपशॉट अपने पास रखता है। तो इन शॉर्ट जो है इंस्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे कि मेमोरी स्ट्रक्चर प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस ये दोनों मिल करके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। और इंस्टेंस क्या करता है, डेटाबेस फाइल्स जैसे डेटा फाइल, रीडो फाइल, लॉग फाइल, आर्काइव फाइल, इनकी लिंक बना करके अपने पास रखता है और दूसरा डेटाबेस का स्नैपशॉट भी ये अपने पास रखता है। तो इसी को इंस्टेंस कहते हैं। ओरेकल डेटाबेस में जो है हम मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट कर सके। तो अब आगे देखते हैं कि इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस क्या है। तो इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस जो है, द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। तो इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस में एक पर्टिकुलर टाइम पर जो डेटा स्टोर होती है तो उसी डेटा को इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस कहते हैं। और बाद में जब हम उसे उसमें कोई एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं तो डेटाबेस का इंस्टेंस चेंज हो जाता है और जो हमने नया रिकॉर्ड ऐड की है उसके बाद एक नया इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस हमारे सामने दिखाई देता है। उसी तरीके से जब हम डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद जो डेटाबेस हमारे सामने दिखाई देता है तो वो फिर एक नया इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंस्टेंस जो है वो चेंज भी होता है जब हम किसी रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, जब हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो द इंस्टेंस कैन बी चेंज्ड बाय सर्टेन ऑपरेशंस एज लाइक एडिशन डिलीशन ऑफ डेटा। तो ये जो है इंस्टेंस वाला जो पार्ट है ये आगे जब हम 11C या 12C का डेटाबेस टेक्नोलॉजी वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे तो
तो ये पूरी डिटेल में एक एक चीज जो है वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां से ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट अस से ए टेबल हुज नेम इज स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो उस डेटाबेस में एक टेबल है और उस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो सपोज द टेबल हैज 50 रिकॉर्ड्स, सो द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस हैज 50 रिकॉर्ड्स फॉर नाउ। तो जो हमने टेबल ली है जिसका नाम स्टूडेंट टेबल है, तो उस टेबल के अंदर ऑलरेडी 50 रिकॉर्ड्स है। तो 50 रिकॉर्ड्स है तो डेटाबेस का इंस्टेंस जो है 50 रिकॉर्ड वाला कहलाएगा उस टाइम के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम में डेटाबेस का इंस्टेंस जो होगा वो 50 रिकॉर्ड वाला इंस्टेंस कहलाएगा। बट टुमोरो अगर हम उसमें 50 रिकॉर्ड्स और ऐड कर देते हैं, ठीक है, टुमोरो वी आर गोइंग टू ऐड अनदर 50 रिकॉर्ड्स, तो अगले दिन 50 रिकॉर्ड्स उसमें और ऐड कर देते हैं, तो 50 पहले रिकॉर्ड्स थे, 50 बाद में हमने ऐड किए, तो 100 रिकॉर्ड्स हो गए। तो इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस जो है अब 100 रिकॉर्ड वाला इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस कहलाएगा। तो कुल मिला जुला करके इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस यही है। तो यहाँ तक हमने देखा है कि इंस्टेंस और इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस क्या है। अब आगे देखते हैं कि डेटाबेस स्कीमा क्या है। डेटाबेस स्कीमा जो है अगेन बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और डेटाबेस स्कीमा क्या है, तो डेटाबेस स्कीमा जो है वो डेटाबेस की ओवरऑल डिजाइनिंग होती है। तो ए डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। तो डेटाबेस स्कीमा क्या है, ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है और ये रिप्रेजेंट करता है एंटायर डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को। इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द रिलेशंस अमंग देम आर एसोसिएटेड। तो डेटाबेस स्कीमा में हम जो है डेटाबेस के सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके आपस में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं। इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कॉन्स्टेंट्स दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा। इसमें कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स जो है वो डेटा पर अप्लाई किए जाते हैं, वो सारे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये आगे के लेक्चर में और अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है, ए डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस इट्स एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। तो डेटाबेस स्कीमा जो है उसमें हम बहुत सारे एंटिटीज को डिफाइन करते हैं और एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो भी डिफाइन करते हैं। इट कंटेन्स ए डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस स्कीमा के अंदर जो है एंटायर डेटाबेस का एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल होता है, और विच कैन बी डिजाइंड बाय मीन्स ऑफ स्कीमा डायग्राम। तो वो डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ डेटाबेस जो है उसकी डिजाइनिंग की जाती है स्कीमा डायग्राम्स की हेल्प से। तो इट इज़ द डेटाबेस डिजाइनर हु डिज़ाइन द स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा को डिज़ाइन कौन करता है, तो डेटाबेस स्कीमा को डिज़ाइन करता है डेटाबेस डिजाइनर। तो पिछले लेक्चर में हाउ टू बिकम ओरेकल डीबीए वाले वीडियोस में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ डीबीए के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि डेटाबेस आर्किटेक्ट इंजीनियर कौन होते हैं और डेटाबेस डिजाइनर कौन होते हैं। तो वही डेटाबेस डिजाइनर जो है डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन करता है। और ये क्यों डिजाइन करता है, सो दैट प्रोग्रामर्स को हेल्प मिल सके पूरे डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने की, ताकि कोडिंग के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन को बना सके। तो डेटाबेस स्कीमा का ये टॉपिक आगे और डिटेल में आएगा, तो वहाँ आप अच्छे से इसको समझेंगे। तो डेटाबेस स्कीमा में ही आगे देखते हैं कि ए डेटाबेस स्कीमा कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज।
डेटाबेस स्कीमा क्या है कि ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस जो है वो डेटाबेस स्कीमा है। तो ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइस कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा, और सेकंड कैटेगरी जो है वो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा है। तो देखते हैं फिजिकल डेटाबेस स्कीमा क्या है। तो दिस स्कीमा पर्टेन्स टू द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इट्स फॉर्म ऑफ स्टोरेज लाइक फाइल्स, इंडाइसेस, ईटीसी। तो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा जो है वो है कि डेटा का एक्चुअल स्टोरेज क्या होना चाहिए, और जो डेटा है फाइल्स के फॉर्म में, इंडाइसेस के फॉर्म में, जो उसकी स्टोरेज डिवाइस बनेगी तो वो सब क्या होना चाहिए। तो इस तरह की डिजाइनिंग, मतलब डेटा की जो एक्चुअल स्टोरेज है और कौन कौन से फाइल्स होने चाहिए, कौन कौन से इंडाइसेस होने चाहिए, कितनी MB की फाइल बननी चाहिए, कितनी मेमोरी वगैरह वो सब चीज़ चाहिए। तो इस तरह की सारी डिजाइनिंग जो की जाती है वो की जाती है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा में। इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। तो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा में स्पेशली इस बात पर फोकस की जाती है कि डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे किस तरीके से स्टोर करना है, तो वो स्टोरिंग करने का पूरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आगे देखते हैं लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। तो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा, दिस स्कीमा डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर। तो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल व्यू ऑफ द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, तो उसका सारा लॉजिकल प्लानिंग जो होती है कि जैसे कि एक टेबल का नाम क्या होना चाहिए, मतलब टेबल्स के नाम क्या होने चाहिए, उस टेबल्स के अंदर फील्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, उसमें आपस में रिलेशंस क्या क्या है टेबल्स का, टेबल्स के बीच में क्या रिलेशंस है। तो इस तरह की डिजाइनिंग जो होती है वो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा में होती है। तो इट डिफाइंस टेबल्स, तो ये टेबल्स जितने भी टेबल्स होते हैं तो वो टेबल्स कौन कौन से होंगे, उन टेबल्स के नाम क्या होंगे, उन टेबल्स के अंदर फील्ड्स के नेम क्या होंगे, वो व्यूज के क्या नाम होने चाहिए, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ये सारे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या क्या होना चाहिए। तो इस तरह की सारी जो है लॉजिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। तो ऊपर के डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा में क्या अंतर है। तो नीचे जो है फिजिकल स्कीमा है, फिजिकल स्कीमा के लेफ्ट साइड में जो सिलेंडर के फॉर्म में जो है ये रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर को, कि एक डेटा को जो स्टोर करके रखना है तो उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। तो फिजिकल स्कीमा इसी स्टोरेज स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और लॉजिकल स्कीमा में कि कौन कौन से टेबल्स होने चाहिए, तो लेट सपोज एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, तो उस टेबल में कौन कौन सी जो है फील्ड्स नेम होने चाहिए, तो जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट आईडी, तो इस तरह के जो है फील्ड्स के नेम वगैरह टेबल के अंदर जो डिफाइन की जाती है। तो इस तरह की सारी डिजाइनिंग जो है लॉजिकल स्कीमा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ तक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का जो है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।